उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का सलेमपुर लोकसभा, जहां सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। गठबंधन के बसपा प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा जनता के बीच जाकर अपनी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। जगह जगह चौपाल लगाकर जनता से अधिक इस महागठबंधन को अपनी किस्मत वोट देकर भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पद यात्रा भी कर रहे हैं, जिसमें सपा बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता समेत पूर्व विधायक गजला लारी मनबोध प्रसाद के साथ जनता से मिल रहे हैं। वहीं महागठबंधन की रैली की भी तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 14 तारीख को गठबंधन के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, उसी की तैयारी को लेकर हम और हमारे कार्यकर्ता लोग दिन रात लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा आए और हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के विचारों को सुने, गठबंधन को और ताकत मिलेगी। सलेमपुर की लोकसभा सीट 71 और ज्यादा मजबूत होगी जब यह दोनों लोग यहां उपस्थित रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इस भीड़ इतनी होगी जो ऐतिहासिक होगी। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चक्का जाम क्या था, बड़ी मुश्किल में मंडल से मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट लागू हो पाई थी और कुशों का आश्रय मिला था। उसकी देर थी कि मनोहर काशीदार साहब काफी दिन से मुहिम चला रहे थे, बीपी सिंह सरकार को हमारी नेताओं ने समर्थन दिया था, हमारे पास 5 सांसद थे, उसके बदले बीपी सिंह ने यह रिपोर्ट लागू की थी। धोखा व्यापारी को धोखा, गरीब को धोखा और यहां तक कि जो पिछड़ा वृद्धावस्था पेंशन, मतदान पेंशन और तमाम पेंशनें मिलती थी सपा बसपा सरकार में, इस सरकार ने उनको भी बंद करने का काम किया। 14 तारीख को गठबंधन के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्षेत्र के इधर आए और हमारे दोनों राष्ट्रीय नेताओं के विचारों को सुने और गठबंधन को और ताकत मिलेगी, 71 लोकसभा सीट और मजबूत होगी राष्ट्रीय नेताओं के आने के बाद, ऐसा मुझे भरोसा है और कई लाख वोटों से आगे बढ़त मिलेगी हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आने के बाद। और भीड़ भी हमें उम्मीद है कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी कि आज तक यहां ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा।